जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज पेपर था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, मॉडर्न शिफ्ट का मेरे पास पेपर है, उसके आंसर की हम देखते हैं। तो इसमें जैसा कि पेपर में देखा गया, हरियाणा जी के जो है एक ही नंबर की आई है दोस्तों, ठीक है। अब सभी के लिए ऐसे ही होना चाहिए आगे भी, तो चलिए एक बार देखते हैं। देखो इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं सबसे। यू कैन गो डैश यू लाइक, तो इसका आंसर दोस्तों वेयर एवर होगा, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 92 का है दोस्तों, 11 सब्सिट्यूट करना है। बियॉन्ड द पावर ऑफ और लॉज ऑफ नेचर, तो इसका है सुपर नेचुरल, ऑप्शन डी। उसके बाद जो 93 है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है। द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, कमांडेड टू कॉल फर्स्ट विटनेस। 94 का जो सही आंसर है दोस्तों यह है ऑप्शन डी, डिस्ट्रेस। और 95 का जो है वो है सेट फोर्ट, 95 का ए है। 96 का है दोस्तों, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग डैश प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से क्रिया विशेषण के डैश भेद होते हैं, चार, सही है। 98 का है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, तो प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं दोस्तों, 11। निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ क्या है, नीचे लिखा गया, ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं आगे हरियाणा जीके का क्वेश्चन, ये जीके के देखते हैं, हरियाणा जीके तो आई नहीं दोस्तों। देखो जैसे ये है 81, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नीदरलैंड के हैग में है। रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब जारी किए थे, तो ऑप्शन ए सही है, 1996 है इसका। उसके बाद है आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, 4। उसके बाद है इंडियन पिनल कोड के तहत संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, सीआरपीसी की धारा 2C क्या था। उसके बाद 58 है वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, सब समताप मंडल में, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है आगे देखते हैं हम जीके के क्वेश्चन, इसमें बहुत कम आए हुए हैं दोस्तों, देख रहे हो जैसे आप, ज़्यादातर कंप्यूटर और मतलब ठीक ठाक पेपर है ये, अच्छा पेपर बना रखा है। प्लिनी की प्रसिद्ध ये किताब पूछी है, प्लिनी की प्रसिद्ध कृति क्या है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियंसी। उसके बाद देखो हरियाणा किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है, तो पता ही है इसका सारा आंसर, ऑप्शन ए सही था इसका। उसके बाद है भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है, संघ में ना पुलिस नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है इसका। संघ जो है ये राज्य का विषय, ये पुलिस जो है राज्य का विषय है। उसके बाद की जाए आगे क्वेश्चन देखते हैं, जीके क्वेश्चन जो है कमी, जैसे ये क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज कैंथ्रेफिली, कैंथ्रेफिली क्या दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ब्रिंग द्वारा परागण। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है, तो राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है दोस्तों। ये एक बार क्वेश्चन पेपर में भी आया था, कई बच्चे इसमें डाउट थे कि वहाँ पे जो आंसर की मैंने राष्ट्रपति ही दिया था, राष्ट्रपति जो है ना वो राज्य का मुखिया होता है, यहाँ पे राज्य जो है ना वो देश के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही माना जाएगा। राष्ट्रपति केवल नामनाथ की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा दोस्तों। अब देखते हैं क्या आंसर मानती है HSCC। उसके बाद हम शरीर में छिद्रों और बल्स में कैनल मौजूद होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, पोलेफेरा। उसके बाद है कोलखोज जो है एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे डैश में पेश किया गया था, तो रूस इसका सही आंसर है दोस्तों। वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में से किस भारतीय ने शांति और आशा ऐतिहासिक गीत गाया था, तो लता मंगेशकर होगा इसका। उसके बाद 2017 में परिसंचित एकत व्यापक अप्रत्यक्ष कर का नाम बताइए, GST जो आपको बताया उसको, वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उसका पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये बेलग्रेड में हुआ था।
उसके बाद निपा विषाणु मनुष्यों में डैश द्वारा फैलता है, तो सुअर द्वारा। वायुमंडलीय गैस में प्रमुख संगठन है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन। उसके बाद है मेंढक में आरबीसी होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उसके बाद है दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है, 27वें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स। और आगे देखें जी के क्वेश्चन, इसमें जैसे बंगाल की, देखो ये देखो दूसरा क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 371 ए स्पेशल स्टेटस वाज अकॉर्डेड टू, किसको दिया गया था, नागालैंड को दिया गया था ये। उसके बाद केंद्र सरकार की सनराइज योजना क्या है दोस्तों, तो यह है एड्स, 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम। उसका WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1995 में हुई थी। कटला मछलियाँ क्या होती है दोस्तों, तो फीड एट ऑल लेवल, मतलब सभी स्तरों पर फीडर, सरफेस, इस पर सरफेस वाला देखो कहाँ, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो ये जी के क्वेश्चन थे, देखो हरियाणा जी के क्वेश्चन आए नहीं दोस्तों, तो चलो देखते हैं आगे वाले एग्जाम में भी ऐसे नहीं आने चाहिए।